उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल का परिणाम सामने आया है। इसमें तमाम राजनीतिक दलों के चुनाव परिणाम से संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट सामने आई है। चुनावी सर्वेक्षणों में एक आम बात जो है दिखती नजर आ रही है, वह बहुजन समाज पार्टी को खाता न खुलना। दरअसल 10 साल बाद एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में शून्य पर सिमटने जैसी नौबत बनती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2014 में बहुजन समाज पार्टी खाता नहीं खोल पाई थी। मोदी लहर में यूपी की 80 में से 73 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, वहीं सपा 5 और कांग्रेस 2 सीटों पर जीती थी। यूपी की विधानसभा 2022 में बसपा ने प्रदेश की 403 सीटों में से केवल 1 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। हालांकि उसका वोट शेयर 12.9% था, जो यूपी में जाटव वोट बैंक के आसपास था। यूपी में दलितों की आबादी 21% के करीब है, इसमें जाटव वोटरों का शेयर करीब 13% है। यूपी चुनाव 2022 में बसपा का सबसे कम वोट शेयर में से एक था। लोकसभा चुनाव में जब बसपा को यूपी में एक भी सीट नहीं मिली थी, तब उसका वोट शेयर 19.77% था। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जब उसने 19 सीटें जीती तो उसे 22.30% वोट मिले। लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने आगे बढ़कर मायावती के साथ चुनावी गठबंधन किया था। हालांकि अब मायावती दलित पॉलिटिक्स पर अपनी पकड़ को उस स्तर पर बनाए रखने में कामयाब होती नहीं नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2022 में बसपा का वोट शेयर 2022 के भी नीचे जाता अनुमान लगाया जा रहा है। चुनाव सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करें तो इस बात की ओर इशारा है कि मायावती अपनी दलित राजनीति की जमीन को गंवा रही है। यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर खाता नहीं खोल पाने की स्थिति में खड़ी दिखती है। वहीं बसपा के कैडर वोटरों का जो है बंटवारा एनडीए और इंडिया के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी और भाजपा कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। खाद्यान्न योजना के तहत 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज वितरण ने दलित में बड़ा असर दिखाया है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की इस योजना को गरीब तबका है उसमें बड़ा प्रभाव डालता हुआ नजर आया है। कैडर वोट बैंक को बचाने के लिए बसपा की ओर से कोई ठोस प्रयास नहीं सामने आया। बसपा की योजना का असर जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। यही वो बड़ी वजह है कि बसपा के युवा नेता आकाश आनंद ने भाजपा सरकार की खाद्यान्न योजना पर तगड़ा हमला बोला। यूपी की चुनाव 2022 के दौरान खाद्यान्न योजना का यह असर दिखा था कि बसपा के कैडर भाजपा की शिफ्ट होते हुए नजर आए थे। लोकसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी ने दलित वोटों के शिफ्ट होने को देखते हुए अपने जो है मुस्लिम यादव समीकरण को बदलकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए समीकरण के रूप में परिभाषित करना शुरू कर दिया। पार्टी की नजर दलित राजनीति को अपने पाले में लाने पर रही थी। इसमें सबसे बड़ा झटका मायावती को लगता हुआ नजर आ रहा है। लाल मायावती को यूपी में एक भी सीट मिलता हुआ नहीं देखा जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है, क्या मायावती अब अपने सियासी रसूख को बचा पाएंगी या फिर नहीं? क्या मायावती के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अब बैकफायर कर चुका है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट9 पॉलिटिकल फाइट के साथ।